हेलो दोस्तों, आज मैं एक ऐसी डिश बनाने जा रहा हूँ कि आज घर पे कोई भी नहीं था। मेरी जो मेड आने वाले थे, कुक आने वाले थे, वो आज आई नहीं, तो भाई रात के चावल बचे हुए थे, तो क्या करा जाए इसका। तो ये दिमाग में सोच आई कि चलो भाई इसको बना लिया जाए। तो इसको बनाना बहुत सिंपल है और आसान है। तो सबसे पहले क्या हुआ, तेल गरम करके हमने मूंगफली को भून लिया, क्योंकि चावल के साथ मूंगफली का बहुत बढ़िया टेस्ट लगता है। तो मैं जिस प्रकार से रेसिपी बनाता हूँ, उसी प्रकार से अगर आप बनाएंगे रेसिपी तो वैसा ही टेस्ट आएगा। दोस्तों, मेरा YouTube की जर्नी 2 साल से चल रही है। मैंने 2 साल में लगभग 50,000 के ऊपर मेरे सब्सक्राइबर बन चुके हैं। कई बार हताश और निराश हो जाता हूँ, क्या YouTube छोड़ूं कि YouTube कंटिन्यू करूँ, ये समझ में नहीं आता है। आप लोग कमेंट जरूर करिएगा। मेरा चैनल भी मोनेटाइज हो गया है, पर मोनेटाइज होने के बाद भी ऐसा कोई बहुत बड़ा पैसे का बरसात नहीं हो रही है, या कैश फ्लो जिसे होना चाहिए एफर्टलेस कैश फ्लो नहीं आ रहा है। लेकिन मेरी मंजिल है कम से कम 10 मिलियन सब्सक्राइबर की। दोस्तों, मंजिल अपनी एक होनी चाहिए। रास्ते हम अलग अलग बदल सकते हैं, जैसे कि आपको मुंबई से दिल्ली जाना है तो आपकी मंजिल है दिल्ली जाने की, पर हो सकता है कि कोई रूट के अंदर बाधा हो, कोई रूट में ट्रैफिक हो, कोई रूट में गड्ढे हो, तो आप अपना रास्ता बदल दीजिए, पर मंजिल एक ही रहेगी। और मंजिल को पाने के लिए आपको मेहनत करनी है। रास्ते भले बदलते रहिए आप, लेकिन मंजिल तक पहुंचना जरूरी है। तो मेरी मंजिल है 10 मिलियन डॉलर, और ये मंजिल मेरी मुमकिन होकर रहेगी आप लोगों के सहयोग से, आप लोगों के आशीर्वाद से, आप लोगों के कोऑपरेशन से। तो मैं अभी तक जो 50,000 पहुंचा हूं, बहुत जल्दी मैं 1 लाख सब्सक्राइबर क्रॉस करने वाला हूं। और आप लोग कई बार सोच भी रहे होंगे कि क्या मैं खाली यूट्यूब ही बनाता हूं, क्या खाली मैं यूट्यूबर ही हूं? नहीं भाई, ये मैं नहीं हूं, ये मेरा एक पैशन है। फूड बनाना मेरा पैशन है, और ये पैशन को मैं काफ़ी लंबे समय से कर रहा था। तो इस पैशन को मैंने खाली शूट किया हुआ है, और इसके अलावा मेरा दूसरा प्रोफेशन भी है। तो कभी वक्त मिलेगा तो मैं अपने बारे में और बताऊंगा आपको। देखिए, YouTube चैनल के अंदर जो फूड के पर्टिकुलर कैटेगरी, उसमें बहुत कंपटीशन है। तो कोई अगर फुल टाइम आने का सोच रहा है तो भाई प्रॉपरली एनालिसिस कर लीजिए, प्रॉपरली होमवर्क कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारी और भी कैटेगरी जहाँ कॉम्पिटिशन कम है। लेकिन अगर आपने ठान ही लिया है कि मेरे को फूड चैनल ही खोलना है, तो बिल्कुल खोलिएगा, प्रॉपर प्रिपरेशन करके खोलिएगा, और आपका भी यूट्यूब चैनल सक्सेस होगा। देखिए भाई, मैंने सब डाला हुआ है आपको। अब यहाँ पर जो प्याज डाला हुआ है, प्याज को जो है मैंने बारीक बारीक काट लिया था, क्योंकि आज हम जो बनाने वाले हैं ना, टमेटो राइस। ये टमेटो राइस बहुत बढ़िया बनता है, इसमें टमेटो की प्यूरी भी डलती है पहले, लेकिन हमको प्याज को भून लेना है। दोस्तों, जो लोग नए चैनल पे है, पहली बार मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, मैं उनसे गुजारिश करना चाहूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा, और लाइक जरूर करिएगा। और मैं जैसे रेसिपी बनाता हूँ, ऐसे रेसिपी आप लोग बनाइएगा, कमेंट करिएगा जरूर कि मेरी रेसिपी कैसे लगी आपको। आप खुद बनाने के बाद कमेंट करिएगा, और मेरी रेसिपी जानने के लिए पूरा अंत तक आप देखेंगे ना, तो आप एक भी स्टेप मिस आउट नहीं करेंगे, और प्रॉपरली जैसे मैं बनाता हूँ वैसे ही आप बना पाएंगे। तो दोस्तों देखिए, यहाँ मैंने प्याज को भून लिया है, और ये बिल्कुल स्लो गैस पे कर रहे हैं। अगर तेज गैस पे करेंगे तो प्याज काले पड़ जाएंगे, कड़वापन आ जाएगा। तो प्याज को हमारे को स्लो गैस पे ही भूनना है। तो भाई ये ऑलमोस्ट देखिए अभी भून के रेडी हो चुके हैं, और जब भी आप प्याज डालें तो इसमें थोड़ा सा नमक जरूर डाल दीजिएगा, जिससे कि प्याज जल्दी से गल जाते हैं, और फटाफट जैसे प्याज पक जाते हैं तो तेल छोड़ना शुरू कर देते। तो ये भाई, ये प्याज हमारा बन के रेडी हो गया है, और ये बिल्कुल एकदम बहुत ही बढ़िया हो गया है। और इसके अंदर हमारे को क्या करना है, इस स्टेज के ऊपर जब प्याज को हम भून रहे हैं ना, उस समय हमारे को टमाटर की प्यूरी बना लेनी है। और ये प्यूरी मैंने बना के, 2 टमाटर की प्यूरी बना के यहाँ पर डाल दी है। अब प्यूरी के साथ में इसको थोड़ा सा आपको उसको फिर से स्लो गैस पर पकाना है, क्योंकि टमाटर को कच्चे डालेंगे तो मज़ा नहीं आएगा। तो इसको पकाना है, और पकाने के पहले आपको क्या करना है, इसमें थोड़े से मसाले भी आपको डालने हैं। तो जैसे मैंने खड़ा हरा धनिया का पाउडर डाल दिया है, उसके बाद ये हल्दी डाल दी है, जो नॉर्मल मसाले होते हैं वही मसाले इसमें डालते हैं, मिर्ची हो गई, और ये नॉर्मल चिली पाउडर हो गया ये, और ये आपका थोड़ा सा इसके अंदर मैंने सॉल्ट पहले डाल चुका हूँ मैं इसके अंदर। तो ये मसाले को हमारे को स्लो गैस पर पकाना, जब मसाले को पकाएंगे तो पूरा एब्जॉर्ब हो जाएंगे मसाले इसके अंदर। और मैंने थोड़ी सी यहाँ कश्मीरी रेड चिली भी डाल दी है, देखिए भाई कश्मीरी रेड चिली भी डाल दी है,
और इसके बाद में जो है ना मैं इसमें डालने वाला हूँ एक स्पेशल मसाला, ये है गरम मसाला जो मैंने अपने घर पे बनाया हुआ है। इसके बाद भाई इसमें पड़ेगा थोड़ा सा, ये पहले पहले आप भून लीजिए इसको, स्लो गैस पे इसमें भुनेंगे। भुनने के बाद आपको खुशबू आना शुरू हो जाएगी और इसको आपको किसी भी हालत में गैस को तेज नहीं करना, नहीं तो ये जल जाएगा। देखिए ये अभी हमारी टमाटो प्यूरी एकदम पक जाएगी बिल्कुल एकदम, तो तेल छोड़ना शुरू कर देगी, इसका मतलब ये प्यूरी पक गई है। तो ये देखिए ऑलमोस्ट ये प्यूरी पक चुकी है। अब हमारे को क्या करना है, गैस को थोड़ी देर के लिए बंद कर देना है इसमें, और गैस को बंद करने के बाद में हम इसमें ये चावल डालेंगे। ये देखिए ये चावल हमने डाल दिए, क्योंकि ये नीचे से नहीं तो आपका जलना शुरू हो जाएगा। गैस को थोड़ी देर के लिए बंद कर दिए, चावल डाल दीजिए, हिला दीजिए, फिर गैस को वापस ऑन करिएगा स्लो गैस पे। और यहाँ पर मैंने नमक डाल दिया है, इसमें चूंकि मैंने टमाटर डाले हुए हैं तो थोड़ा सा मीठापन भी होना चाहिए, तो एक चम्मच मैंने शक्कर डाली है, ऑप्शनल है, आप चाहो तो इसको मिस भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आप चाहो तो नहीं भी डालो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो भाई ये हमारे टमाटो राइस रात के बचे हुए चावल के अंदर आप बनाएंगे इस प्रकार से, बहुत ही टेस्टी बनेंगे, मैं आपको बता नहीं सकता हूँ, इसका टेस्ट लाजवाब आने वाला है। और इसको आप दही के साथ खा सकते हैं, इसको आप अचार की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि इसमें अपने आप में बहुत सारे इन्ग्रीडियंट्स डले हुए हैं। तो दोस्तों ये चावल की रेसिपी आप लोग ज़रूर बनाइएगा, बचे हुए चावल की बहुत सारी रेसिपी होती है। तो ये भाई हमने इसको अब सर्व कर लेना है, सर्व कर लिया हमने, थोड़ा सा इसमें हल्दीराम को ऊपर से डाल दिया। सो गाइस थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, विश ऑल द बेस्ट एंड मे गॉड ब्लेस यू।